हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत खुश होंगे, चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक सवाल जो एसएससी सीजीएल और एलडीसी जिसको आप लोग बोलते हैं उसको सीजीएल एग्जाम में जो है पूछा गया है 2019 वाले एग्जाम में। तो ये सवाल जो है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दोनों को मिलाकर जो है पूछा गया था। तो इस सवाल में भी कई लोग हमने देखा कि दुनिया भर का काम झाम जो है करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से एसएससी वालों ने इस सवाल का ऑप्शन रखा था, इस सवाल को देखिए हम कैसे ऑप्शन से करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन से। देखिए कैसे, एक निश्चित राशि पर 16.2/3% की दर से 3 वर्ष का CI 6,350 रुपया है। उसी दर पर 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए जी, जैसे कि साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, यहाँ पर रेट परसेंट में रहता है, प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंट इनटू टाइम, यही तो होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है यहीं पे। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल को जो है कुछ अगर मान लेंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि जो रेट है 16.2/3% है, और 16.2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है माय डियर 1/6 होता है। तो ये सब परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको जो है अच्छे से याद रखना होता है, ताकि जो है तभी आप एग्जाम में अच्छा से परसेंटेज का इस्तेमाल कर पाएंगे और फास्ट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, और यहाँ पे रेट परसेंट हमने 1/6 कर दिया, और टाइम जो है कितना है 5.2/3 वर्ष के लिए। तो टाइम क्या लिखेंगे, 5 × 15 = 17, तो 17/3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको कोई तामझाम में यहां पर नहीं पकड़ना है, वैसा ऑप्शन चुनिए जो 17 का मल्टीपल। कैसे भाई? क्योंकि हमको पता है कि भाई नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो 17 को कटा दे। भाई 17 को कटाने के लिए नीचे या तो 17 या फिर उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नीचे 17 दिख नहीं रहा है, यानी कि इस सवाल में 17 का गुणा हो ही जाएगा जब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे तब। तो वैसा ऑप्शन चुनिए जो 17 का मल्टीपल हो। तो इस सवाल में एक ही ऑप्शन उन्होंने दे रखा था जो 17 का मल्टीपल था, और वो है ऑप्शन नंबर 10,200। क्या ये 17 का मल्टीपल है? 17×6 = 102 होता है, 102 पे 2 जीरो चिपका हुआ है, तो यही ऑप्शन जो है सवाल का उत्तर होगा। बाकी देख लीजिए आप, कोई भी 17 का मल्टीपल नहीं है। तो इस हिसाब से जो है सवाल को आप बिना पेन चलाए इसको कर सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।